हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें हमने एनडीए जीएटी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आपके करंट अफेयर्स भी पूरे हो चुके थे। और उसके कॉन्टिन्यूशन में ये दैट इज़ ये अपनी अगली वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री के सोल्यूशन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए थे, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड क्या था। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपेयर फॉर एनडी आई थिंक दे बिलोंग टू साइंस ग्रुप, तो साइंस से अगर होते हैं तो क्या इजीली फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर ही सकते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें हैं आपके वो क्लास 10th, 11th और 9th, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्लास 11th से आता है, उसके बाद 10th से, उसके बाद फिर कुछ है कि 9th क्लास के, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल था वो कह सकते हो कि ईजी था और एवरेज, ठीक है। टफ एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो इजी और एवरेज, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी रहे थे, ठीक है। तो जो सेट है, सेट डी मेरे पास है, इसमें कुछ एक लास्ट से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। सी, ये एक बहुत ही कह सकते हो कि इजी लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग इससे पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हो क्लास में कि बायोगैस का जो मेन कंटेंट, जो प्राइमरी जो चीज़ होती है दैट इज़ क्या होता है, वो मीथेन होता है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी के बेसिस पे देखो कि प्राइमरी गैस जो होता है बायो, वो नेचुरल गैस में वो क्या होता है, तो वो क्या है आपका मीथेन, और मीथेन पहला ही है। हाँ, अगर पूछा जाता है कि सेकेंडरी क्या होता है तो फिर उसमें आता आपका CO2 आता, फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइड आता, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें फिर आती, ठीक। तो इसका 146 का जो आंसर है हमारा वो क्या है, सी, ठीक है। ये जो सारे के सारे ही किसके अकॉर्डिंग है, ये है सेट डी में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन यही रहता है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न या फिर क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। तो 146 जिसमें पूछा गया है कि जो बायोगैस है उसका मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो उसका है सी, दैट इज मिथेन, ठीक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल। अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग टेंडेंसी है वो इसमें से सीक्वेंस दिया है किस मेटल्स की सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हमें पता है, अगर आप लोग ने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, उसमें बाद फिर आपने वो पढ़ लिया होगा उसमें अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो हमारा बनता है दैट इज़ क्या है कि सबसे जो पहले जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो वो होगा जिंक का होगा, उसके बाद कॉपर का होगा, उसके बाद फिर क्या होगा सिल्वर का, दैट इज़ क्या होगा हमारा 145 का आंसर है ए, ठीक है। 145 का आंसर है ए, ठीक है। आई विश आप लोग ने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसको कवर कर लिया होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 144 है ये भी बहुत इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने CDS के कुछ एक साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो सेम जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन उसमें आया था और आपको जस्ट उनका ऑपोजिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मोनोटॉमिक पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ठीक। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, कॉपर, ठीक, ये हमें पता है मेटल है, हीलियम इनर्ट गैस है, ठीक, आयोडीन I2 दैट इज क्या है डायटॉमिक है, ठीक, और उसके बाद फिर बेरियम, अगेन ये मेटल है, तो हमारा आंसर निकलता है इसमें सी, 144 का आंसर है ये सी, ठीक है, आयोडीन, ठीक। उसके बाद क्या है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अगर आपने डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे आपको, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप आराम से इसको आंसर टिक कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेटेड बाई मेकिंग। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को हम किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, नॉन मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स या फिर अल्कलाई मेटल हाइड्राइड्स, ठीक। अगर आपने क्या है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होंगे या फिर उनके बारे में स्टडी किया होगा तो आपको पता क्या होगा कि जो एफ ब्लॉक है, जो डी ब्लॉक है, वो क्या करते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसके अकॉर्डिंग 143 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, सी होगा, ठीक। फिर आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 ये भी बहुत इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, इन सब में पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं कि इसे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं,
ड्राई आइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो 11 है उसका आंसर भी सी है, फाइन। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 110 इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है मिक्सचर नहीं है। बाकी तीन के आंसर देखो, वो एयर है, सॉयल है, सी वाटर, ये तो सारे के सारे मिक्सचर हैं, और जो टीन है जो हमारा एसएन है, ठीक है, ये क्या है कि मेटल, और ये क्या है कि मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर है दैट इज क्या है, ए, फाइन, टीन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि ये सोप, आपका जो पेपर जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें साफ साफ लिखा है कि वाटर, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, उसके बाद सोप, सोप कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, सोप से इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके केमिस्ट्री में, दो क्वेश्चन आए, तो सोप और ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं कंसिस्टेंटली क्या करेंगे उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ चीज़ें दी गई हैं और वही सिलेबस उठा करके आपके पेपर में पूछा गया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया, ठीक है, सिलेबस के बाहर नहीं आया जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। सोप क्लीन्स सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सोप होता है वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गंदगी साफ हो जाती है। तो किसका प्रिंसिपल हुआ वो, आंसर है इसका डी, सरफेस टेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 जो 9 है इसका जो आंसर है कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है जिसके वजह से गंदगी साफ हो जाती है, तो सोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन, क्वेश्चन नंबर 109 का डी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 108 है ये भी इजी है, इजी क्यों है, क्योंकि आप ने अगर इसको पहली बार में देख करके ही इसको टिक कर सकते हो, आई थिंक जिस भी स्टूडेंट का है उसने ये आंसर गलत किया हुआ है, इसमें लाइम स्टोन मारा हुआ है उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किस केस में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लाइम स्टोन मिलता है, चौक मिलता है, मार्बल मिलता है, और जो लाइम वाटर होता है वो क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम क्या होता है वो, हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ए दैट इज लाइम वाटर, लाइम वाटर में कंटेंट नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 100 का ए, फाइन। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है, अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप, जो सॉफ्ट सोप होता है कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो अगर आप सोप से, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक, सोप से दूसरा क्वेश्चन है, और हमें ये पता है कि अगर हम पोटेशियम ऐड करते हैं तो सॉफ्ट सोप बनता है, ठीक, और उसके बाद क्या है कि अगर इसमें ये NOH जो होता है वो हार्ड सोप के लिए होता है, ठीक है, तो हार्ड सोप के लिए क्या हो गया आपका, NOH हो गया, और जो आपका सॉफ्ट सोप है उसके लिए जो हमारा आंसर होगा दैट इज क्या होगा, बी, ठीक है, तो बी होगा दैट इज क्या है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है हमारा वो निकल के आता है बी, ठीक है, कि हम इसमें अगर पोटेशियम ऐड करेंगे तो क्या है कि सॉप हमारा वो सॉफ्ट सॉप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू, सी अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सिलेबस, अगर आपने सिलेबस को फिर से पढ़ा होगा तो डिटेल में जरूर एनालिसिस कर लेना, और वैसे भी ये 9th और 10th में आप आराम से, या फिर आपने पढ़ लिया होगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर इससे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू, पानी के बारे में जो नीचे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है, माइंड में रहे कि जो नॉट ट्रू है या फिर ट्रू है, इसमें बहुत सारे बच्चे दे गेट कन्फ्यूज, तो जो नॉट ट्रू को वो ट्रू करके आते हैं और ट्रू को फिर गलत कर देते हैं, ठीक है। अब पूछा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड, ट्रू, ठीक है, ये तो होता ही है। वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हमें पता है क्योंकि जहाँ भी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, फाइन, ये भी सही है, और वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये गलत है, ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होगा कि उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। तो 81 का जो आंसर है आपका, जो रिजल्टेंट आएगा इसका, ये अपवर्ड की तरफ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, फाइन, तो 81 का क्या होगा, ये डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है,
द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स आर, आई थिंक ये आप लोगों ने क्लास 9-10 से बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें, तो हमें पता है कि ये तो क्वेश्चन आप देख के भी टिक कर सकते हो कि लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया, ठीक है। तो 80 का जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ क्या है, ये सी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया, ठीक है। उसके बाद फिर डायमंड पे क्वेश्चन है, डायमंड पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है, ठीक है। डायमंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रू, व्हेयरएज ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल प्लैनर स्ट्रक्चर, ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसमें पूछा गया है सही कौन सा नहीं है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट, सी, ये बहुत लोग यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सेम, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 79 का जो क्वेश्चन बी है ये सही नहीं है, ठीक है। तो 79 का जो आंसर है ये क्या होगा आपका, ये होगा बी, फाइन। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड, ट्रू, ये भी सही है, ठीक है। ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज नॉट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ग्रेफाइट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वैलेंसी फ्री होती है, तो उसमें क्या होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि डायमंड में नहीं होता, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा जो 78th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, इससे पहले हमने क्या था कि नॉट करेक्ट आंसर स्टेटमेंट हमें खोजना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ बॉइलिंग एंड एवापोरेशन आर सरफेस फेनोमेना, ये कह रहा है, ठीक, जो कि गलत है। बॉइलिंग इज अ सरफेस फेनोमेना बट एवापोरेशन इज अ बल्क फेनोमेना, सी, इसने उल्टा कर दिया जो स्टेटमेंट आपका डी है उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, मतलब क्या है कि उसमें ऑलमोस्ट हम बॉइलिंग में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ों को हम वेपराइज करने के लिए ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े अमाउंट में उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। बट एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, तो 78 का जो आंसर है डी, ठीक है। 78 का आंसर जो है हमारा वो है क्या है, डी, दैट इज बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना बट एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट, ठीक। ग्लास इज ऑफ्टन सेट टू बी सुपर कूल लिक्विड, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ग्लास हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमें गलत खोजना है, ठीक है। सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास, सी, ये आंसर आपका क्या है कि गलत है, कि सोडा क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, सॉफ्ट ग्लास के लिए ऐड करते हैं, ठीक है, और जो पायरेक्स होता है वो क्या होता है, हार्डर के लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सोडा जो ग्लास होगा वो किस लिए होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो 77 का जो होता है जो आंसर है दैट इज क्या है, सी, 77 का जो आंसर है दैट इज सी, ठीक। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आता है 76, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन, इससे बाद के क्वेश्चन तो नहीं है केमिस्ट्री में। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सेम एलिमेंट, सी। अब क्या है कि ना Pb3O4, Fe3O4, Fe2O3, उसके बाद Mn3O4, तो ये क्या है कि इसमें अगर C को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे सारे क्या हैं, रेस्ट ऑफ, मतलब सारे के सारे क्या हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर आना चाहिए वो C होना चाहिए, ठीक है। X इक्वल टू 2X, इसका जो आंसर निकलेगा 2X इक्वल टू C, X इक्वल टू प्लस 3, दैट इज हमारा C, कि Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है, यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। 76 का जो आंसर है दैट इज क्या है, सी, ठीक, Fe2O3, फाइन। तो ये कुछ क्या था कि केमिस्ट्री के ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो आपके GAT में पूछे गए थे। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 4, ये 8 के बाद फिर गया है कि ऑलमोस्ट कुल मिला के आप कह सकते हो कि 13-14 क्वेश्चन के आसपास ही आए थे, जो मैक्सिमम थे इसमें बहुत ही कुछ
आपके बेसिक से क्वेश्चन थे और जो बाकी थे थोड़े से एवरेज थे, उसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वो टफ हैं। अगर वो देखो क्या होता है ना, किसी भी पोर्शन में हर साल कोई एक दो क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी क्वाइट ईजी दैट यू कैन सॉल्व। ठीक है, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम चीज़ें अपने एनसीईआरटी से प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 11th, 10th एंड 9th। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल देखो सिंपल चीज़ क्या है कि केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले सिलेबस पे जाओ, सिलेबस में एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करना स्टार्ट करो, उसके बाद फिर वो चीज़ें एनसीईआरटी से कवर करते चलो। ठीक है, देखो देखोगे सोप के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वहाँ से प्रिपेयर करते चलिए। फिर जो अगली वीडियो आएगी वो हम क्या करेंगे, फिजिक्स के ऊपर जो सोल्यूशन है वो सारे के सारे अपडेट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन डन और सारे के सारे जो सोल्यूशन से हम लेते आए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे आप, कमेंट सेक्शन में जो भी और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में अगर प्रिपेयर करना है तो प्लीज़ लेट अस नो कि हमें किस पे बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोग ना अपने व्यूवर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पे नहीं करते हो। ठीक है, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सोल्यूशन के साथ।